नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गृह मंत्री माशंकर गुप्ता ने समाज को नशे से बचाने के लिए प्रदेश में जन जागरण अभियान संचालित करने पर बल दिया है। प्रदेश में नशीले पदार्थों की रोकथाम के उपायों पर जनचर्चा के लिए आज होटल लेकव्यू अशोका में राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुए गुप्ता ने इस अभियान में स्कूल, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की सहभागिता को समाज उपयोगी बताया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में प्रदेश के सभी जिलों में किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन शुरू हो गया है। मूल्यांकन 14 बिंदुओं के अंतर्गत किए गए कार्यों के आधार पर किया जा रहा है। मार्च के परफॉर्मेंस अनुसार शाजापुर जिला प्रथम स्थान पर है, वहीं मंडला अंतिम स्थान पर है। प्रमुख सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास अरुणा शर्मा ने कहा है कि हर माह जिलों की रैंकिंग होगी। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में इस साल भी बाल विवाहों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सभी कारगर उपाय किए हैं। बाल विवाह की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा बनाई गई कार्य योजना में सभी जिलों में विशेष गतिविधियां संचालित की गई हैं। जिला कलेक्टरों का ध्यान उन तिथियों की ओर दिलाया गया है जिनमें बड़ी संख्या में विवाह और सामूहिक विवाह समारोह होते हैं। इसमें अक्षय तृतीया और आखा तीज प्रमुख है, जो मंगलवार 24 अप्रैल को है। जमाने से बंजर पड़ी पहाड़ियां अब ग्रामीणों को हरियाली के संदेश के साथ भीषण गर्मी में सुकून भी देती हैं। खंडवा के पुनासा ब्लॉक की ग्राम पंचायत और मोटक्का में वहां के ग्रामीणों ने ये कारनामा किया है। मोटक्का पहाड़ियों पर फैली हरियाली किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देगी। नर्मदा तट पर बसी ग्राम पंचायत मोटक्का में महात्मा गांधी नरेगा योजना के जरिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया है। कभी सूखी वीरान होने का दंश झेलने वाली ये जमीन अब हरियाली से भरी हुई है। राजगढ़ जिले में आयोजित हो रहे विभिन्न सामूहिक विवाह समारोहों में बाल विवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों और आमजन से सहयोग की अपील की है। कलेक्टर ने सभी राजस्व और अन्य विभागीय अधिकारियों से भी उनके क्षेत्र में आयोजित सामूहिक और निजी स्तर पर आयोजित विवाह कार्यक्रमों में नाबालिगों के विवाह न हो इस बात की जाँच कर कार्रवाई करने की बात कही है। राजधानी में पाउच गुटखा बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद भी शहर में इसकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। बावजूद इसके खाद्य और औषधि विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। इसी का फायदा उठाते हुए कारोबारी दोगुना धन कमा रहे हैं। शासन ने लोगों को खतरनाक बीमारियों से बचाने के उद्देश्य से गुटखा पाउच बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन दुकानदार ब्लैक में गुटखा पाउच का कारोबार करते हुए चांदी बटोरने में लगे हुए हैं। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।